नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेखपाल के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि लेखपाल के सिलेबस में जो ग्रामीण परिवेश एक टॉपिक है उसमें पिन टू पॉइंट आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों सिलेबस एक ऐसा चीज है जिसकी जानकारी अगर अच्छे से किसी को हो तो वो जो सिलेबस के अंदर चीजें पढ़ेगा वो उसको इतनी सुव्यवस्थित तरीके से एकदम एकदम याद रहेंगी जैसे कि वो एकदम उसको छापा एक तरीके से ऐसे हम कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताएंगे कि सिलेबस में क्या पढ़ना है। इस सिलेबस में हमारा 25 क्वेश्चन आता है लेखपाल के पेपर में और हमारा टारगेट जो है 25 में 25 क्वेश्चन पूरा करने का टारगेट है। हम 50 दिन में आपको ग्रामीण परिवेश का पूरा वीडियो आपको एक एक वीडियो के माध्यम से जो ज्यादा बड़ी भी नहीं होंगी ज्यादा छोटी भी नहीं होंगी एक मीडियम वीडियो होगी जिसके माध्यम से आपको ग्रामीण परिवेश की तैयारी पूरी सुव्यवस्थित तैयारी करवाएंगे। तो चलिए हम आपका ज्यादा समय न लेते हुए ग्रामीण परिवेश का ये जो सिलेबस है लेखपाल का इसको स्टार्ट करते हैं। आपको बताएंगे कि सिलेबस में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अगर आप जो सरकार के द्वारा सिलेबस दिया गया है उस सिलेबस को देखेंगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। वो सिलेबस लगभग 7-8 शब्द को लेके इतना घुमा दिया गया है लेकिन उसको हम पूरा खोल के इसे 16 पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं। इससे आपको पूरा बढ़िया से समझ में आ जाएगा कि हमारा सिलेबस कितना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारा दिया गया है लेखपाल सामान्य जानकारी व कार्य, इसमें लेखपाल का कार्य क्या है, लेखपाल क्या काम करता है, लेखपाल कौन होता है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। लेखपाल का पद क्या है, कितना कैसे उसका पद आता है, कैसे क्या नहीं, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में अगले वीडियो में बताएंगे। जब ये चैप्टर वाइज आपको स्टार्ट करेंगे पूरा पढ़ाना तब हम आपको ये बताएंगे। ये तो अभी सिलेबस है, सिलेबस की जानकारी दे रहे हैं आपको। सिलेबस बहुत ही छोटा सिलेबस है, मुश्किल से अगर हम पढ़ें इसको अच्छे से तो 50 दिन में हमारा एकदम अच्छे से कवर हो जाएगा। इसलिए हम आपको स्टार्ट करते हैं। रोज एक एक वीडियो आपको शाम के समय में मिलेंगी अपलोड होकर, आप देखना ना भूलिएगा। चलिए दूसरा टॉपिक देखते हैं, महत्वपूर्ण शब्दावली और कागजात। कागजात में जैसे आता है खतौनी हो गया, खसरा हो गया, ये सब लोग आते हैं गांव से निकलवाने के लिए। और शब्दावली से नामचा वगैरह हो गया, ये जरीब हो गया, एकड़ हो गया, हेक्टेयर हो गया, मतलब बहुत सी ऐसी शब्दावलियां हैं जो लेखपाल में सबको कंफ्यूज कर दिया। हम एक एक शब्दावलियों को आपको वीडियो के माध्यम से सबको एकदम क्लियर करा देंगे। तीसरा हमारा है भूमि मापन एवं विधियां। भूमि मापन से मतलब है भूमि किसमें मापी जाती है, किस जैसे बहुत से लोग बिसवा में मापवाते हैं, बहुत से लोग एकड़ में मापवाते हैं, बहुत से लोग हेक्टेयर में। जैसी खेती होती है जैसा जमीन होता है वैसे मापते हैं, बीघवा बिसवा बहुत से ऐसे होते हैं। तो यही सब विधियां हम अपने की जरीब द्वारा मापी जाती हैं कि कहीं कहीं लट्ठे द्वारा मापा जाता है जमीन को, यही सब विधियां है। नेक्स्ट देखेंगे राजस्व विभाग संबंधित जानकारियां। राजस्व मतलब राजस्व का अंग्रेजी होता है रिवेन्यू। जो राजस्व मतलब जैसे होता है ना राजा महाराजाओं के समय में भी होता था कि राजस्व बहुत कम हो गया, मतलब राजस्व पैसा होता है। पैसा हमारे एक तरीके से कहते हैं कि सरकार का जो धन होता है वही उसी को राजस्व कहते हैं। तो राजस्व विभाग संबंधी जानकारी लेखपाल कलेक्ट करता है गांव से ऐसे कितना हमारे पास क्या है, उसके बाद कानूनगो को देता है, कानूनगो एसडीएम को देता है, एसडीएम डीएम को देता है। तो जब डीएम हमारा ये रिवेन्यू का काम करता है तो डीएम को कलेक्टर कहते हैं। क्या कलेक्टर, तब डीएम को हम क्या कहते हैं कलेक्टर, तब हमारा ये कलेक्टर अधिकारी हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे त्रिस्तरीय पंचायती राज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिस्तरीय पंचायती राज, जिसकी सिफारिश बलवंत राय मेहता ने की थी और ये राजस्थान के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था। हम कह सकते हैं बहुत ही जैसे ग्राम स्तर पर, फिर जिले स्तर पर, फिर राज्य स्तर पर ये त्रिस्तरीय पंचायती राज होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपको क्वेश्चन जरूर से जरूर देखने को मिलेगा हर एक पेपर में। नेक्स्ट देखते हैं कृषि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उत्तर प्रदेश की कृषि से संबंधित जैसे मिट्टी कैसी है, कहाँ पे क्या गन्ना होता है, चावल खेती कौन सी करें, कैसा कपास कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश में कहाँ पे ज्यादा होता है कहाँ पे कम होता है, ये सब आपको देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की कृषि के संदर्भ में। नेक्स्ट देखते हैं ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में। भारत के संदर्भ में गांव का विकास कितना हुआ है, कहाँ पे कम है कहाँ पे ज्यादा, ये सब लेखपाल का काम होता है कि उसको देखे और उसकी संपूर्ण जो कमियां है या जो उसमें अधिकता है उसको संपूर्ण जानकारी अपने ऊपर के अधिकारियों को दे, यही सब हमको पढ़ना होगा ग्राम विकास भारतीय संदर्भ में गांव के विकास के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं ग्राम विकास शोध प्रणाली।
गांव के विकास के लिए हमें जो शोध मतलब जो खोज करनी पड़ती है, कमी निकालना पड़ता है, अधिकता निकालनी पड़ती है। कहाँ पे जैसे मिट्टी की उर्वरता ज्यादा हो गई तो उससे भी गांव का विकास होता है। जैसे गांव अगर मिट्टी की उर्वरता कम है तो हमें खेती नहीं होगी तो गांव का विकास कैसे होगा, यही सब देखने के लिए गांव में एक शोध प्रणाली अपनाई जाती है जिसको हम गांव विकास शोध प्रणाली के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ग्राम विकास एवं भूमि सुधार। गाँव के विकास में भूमि की बहुत बड़ी भूमि का बहुत बड़ा हस्तक्षेप हम एक तरीके से कर सकते हैं। अगर भूमि हमारी उपजाऊ नहीं है तो एक तरीके से गांव का विकास तो बहुत ही न के बराबर होगा। गांव क्योंकि गांव में खेती ज्यादा होती है, खेती में उपज हमारी मायने रखती है। अगर उपज नहीं होगी तो गांव के लोग खाएंगे क्या, और गांव के लोग उगाते हैं तभी तो हम भी खाते हैं, यही है गांव की खेती। गांव की खेती में भूमि सुधार में जैसे उसमें भूमि में नाइट्रोजन मिलाना, खाद मिलाना, यूरिया डाई पोटास बहुत सारी खाद आती है जैसे मिला के उसकी उर्वरता को बढ़ाया जाता है। उर्वरता को बढ़ाने से हमारा भूमि में सुधार होता है जिससे गांव का विकास सुदृढ़ हो सके, इसलिए हम भूमि में सुधार करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ग्राम विकास केंद्रीय योजनाएं। गांव के विकास के लिए केंद्रीय योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही गांव के विकास के लिए योजनाएं जैसे इस समय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई जा रही है किसान मानधन निधि योजना, किसान सम्मान निधि योजना, बहुत सी योजनाएं किसानों के लिए चलाई जा रही है। ऐसी ऐसी योजना गाँव के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे ही राज्य सरकार द्वारा ग्राम के लिए योजनाएं चलाई जाती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। अगला देखें उत्तर प्रदेश समान जानकारी। उत्तर प्रदेश के बारे में हमें पूरी जानकारी इसमें देखने को मिलेगी आप लोगों को कि पूरब से लेकर पश्चिम तक उत्तर प्रदेश कहां तक फैला हुआ है, किस जिले से किस जिले तक, उत्तर से दक्षिण तक किस जिले से किस जिले तक, कौन सी नदियां इसमें बहती, कौन सी मिट्टी उर्वरता ज्यादा है, ये सब देखने को मिलेगा। कितना लिंगा अनुपात है, क्या है, पूरा उत्तर प्रदेश के बारे में हम पूरी संपूर्ण जानकारी आपको दे देंगे। नेक्स्ट देखते जनगणना। जनगणना भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी आपको एक से दो क्वेश्चन देखने को मिलेगा पेपर में, इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसमें साक्षरता लिंगानुपात स्त्री पुरुष अनुपात बहुत ही देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। लेकिन जो भी क्वेश्चन बनता है आपको पिन टू पॉइंट एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन बताया जाएगा जो इसमें पेपर में पूछा जाएगा, मतलब फंसने लायक क्वेश्चन जो पेपर में पूछने लायक हो, ये हमारे कहने का मतलब है। ग्रामीण समाज कार्यक्रम। ग्रामीण समाज कार्यक्रम से हमारा मतलब है कि गांव में जो समाज में कार्यक्रम चलाए जाते हैं जैसे कि चट्टी चौराहा हो गया, सरकार कभी कभी दो टेंट लगा के कोई भी कार्यक्रम चला देती है कि गांव के विकास में ये सही है ये नहीं सही है, गांव के लोगों को जैसे एकता बनाती है कि ये काम करें तो गांव का विकास होगा, जैसे गांव में सभासद हो गए, गांव का प्रधान होगा, इन लोगों की भी बहुत सी जिम्मेदारियां होती है कि गांव के ग्रामीण विकास कैसे किया जाए, गांव का विकास कैसे हो, तो इसके लिए लेखपाल से ये लोग रिपोर्ट लेते हैं वगैरह वगैरह काम करके अपना सब कुछ अपना एक कार्यक्रम चलाते हैं जिसको हम ग्रामीण समाज कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। ग्रामीण विकास योजना, जैसा कि हम पहले बताए आपको कि ग्राम विकास में केंद्रीय योजना और राज्य योजना, साथ ही साथ ग्राम ये दोनों योजनाएं मिलकर ग्रामीण विकास की योजनाएं के लिए भी काम करती है। जैसे कि गाँव के विकास में योजनाएं, गाँव के विकास में कौन सी केंद्रीय योजना है और राज्य योजना है, तो इससे हमको पता चलता है कि गाँव के विकास के लिए जो योजनाएं हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हमको बहुत ही योजनाएं जैसे किसान मानधन निधि हम आपको बता रहे केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, ऐसी ऐसी योजना हमको ज्यादा नहीं 10-15 योजनाएं पड़ेगा, उसमें से आपको एक दो देखने को जरूर से जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं। जैसे होता है ना गाँव में कौन सी बीमारी जैसे मलेरिया फैल गई तो उसके लिए गाँव में क्या टीका लगाया जाता है, तो ऐसे होता है कि हैजा फैल गया, बहुत सी बीमारियां फैल जाती है तो उसके लिए सरकार टीका चलवाती है, तो यही सब है कि गांव में स्वास्थ्य की योजनाएं कौन सी योजनाएं चल रही है कौन सी योजनाएं नहीं चल रही है, यही सब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों और आपको हमें लग रहा है कि पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा, पूरा क्लियर हो गया होगा सिलेबस। नेक्स्ट वीडियो में आपको एक चैप्टर इसमें से देखने को मिलेगा, बहुत ही पिन टू पॉइंट आपको देखने को मिलेगा कि एकदम सुदृढ़ तरीके से हम आपको बताएंगे कि क्या उसमें पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, जो भी बताएंगे ना कम से कम में ज्यादा से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें साहस देता है कि हम आगे बढ़ें, अगला अपना कदम बढ़ाएं। और चैनल हमारा स्टडी टेस्ट टुडे को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएं क्योंकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा अगर आप बेल आइकन दबाएंगे तो इसी सभी बातों के साथ मैं अपने मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, सी यू।